पूरे शब्दों में भी और सुंदर रूप से गोस्वामी की शिक्षाओं का सारा वर्णन किया है। नाम रूप चरिता और उसकी सुंदर रूप से व्याख्या रात भी हो गया है, समय हो गया है, इसलिए मैं थोड़े से ही शब्दों में जरूर गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करूंगा। आप लोग तो जानते हैं कि मैं तो कोई विद्वान व्यक्ति नहीं, अभी बड़े बड़े विद्वान लोगों की बातें आप लोगों ने सुनी और उनकी विद्वता भरी बातों को सुन करके आपके क्या पल्ला पड़ा है ये मैं नहीं जानता। हमारे गोस्वामी जी भक्त जी आए और पंडित मंडली आए, वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी सप्त तीर्थ और पीएचडी डिग्री भी आए, किंतु साधारण जो श्रोता है उनको क्या मैं भाई साधारण आदमी और साधारण बात ही कहता हूं, जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति के पल्ले कुछ न कुछ पड़ जाए। विद्वान तो हूं नहीं, उस कोटि की विद्वता की बात तो मैं कर नहीं सकता, मैं साधारण रूप में सहज रूप में बोधगम्य भाषा में आप लोगों के सामने गोस्वामी के वैशिष्ट का कुछ संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पहले ही कहा है श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तथा वयं तथा शपथाङ्कितम्। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के परिकर रूप मंजरी कृष्ण लीला के परिकर और अभी रूप मंजरी के भावों का वैशिष्ट मंजरी भावों का वैशिष्ट बतलाया गया। कोई संस्नेहा लज्जा विशाखा इत्यादि संस्नेहा है, किंतु कुछ राधिका की तरफ में शुक्र बीज थोड़ी सी किंतु है, कभी कृष्ण को कभी राधा जी को बराबर और कुछ है सखी स्नेहा भी का। ये है मंजर
देंगे। ये मंजरियां केवल राधिका जी को ही अपनी स्वामी जी स्वामिनी समझती है और इनका भाव बहुत उच्चम कोटि का भाव उल्लास कहलाता है। जहां ललिता विशाखा का भी प्रवेश नहीं वहां पर असंकोच भाव से इनका प्रवेश। इसका मतलब ये नहीं कि ललिता की शाखा से बड़ी हो गई, किसी रानी की दासी जो सब समय उनके घर में झाड़ू बहाती है, उसके पैर को दबाती है और सेवा करती है। वो एकदम उसके समीप में रहती और बड़े बड़े राजा लोग या और लोग आए तो उसका आदेश लेकर के जो वो क्या कर रहे हैं अभी मिलने के लिए चलू उसका आदेश। उसी प्रकार से ललिता विशाखा बहुत राधा जी वो एक तरह से नायिका है। मंजिल इत्यादि नायिका नहीं है, नायिका होने के योग्य होने पर भी वो सब समय पाल्यदासी समझ। इसीलिए ललिता की शाखा कहीं निर्जन में जहाँ पर राधा जी बल्कि एक तरह से नंगी जैसी है, राधा कृष्ण का मिलन हो रहा है वहां पर भी मंजिल का आवाज गति से ललिता की शाखा जी का नहीं है। इसलिए ये मंजरी है कौन रूप मंजरी और श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के परिकर। इतनी ऊंची कोटि की रहने पर भी रूप मंजरी उनसे रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य बहुत अधिक। उन्होंने सेवा को की तरह किंतु जीवों के लिए क्या दिया, कोई पद्धति ऐसी बतलाया जिससे कि हम लोग भी उस मंजरी भाव को प्राप्त कर सके। ये रूप मंजरी ने नहीं कौन दिया, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट पूर्ण करने के लिए उन्होंने वृंदावन को प्रकट किया, श्री विग्रहों को श्री मदन मोहन और गोविंद देव जी का को प्रकाश किया जगत में और उनके मनोभीष्ट करने पूर्ण करने के लिए भक्ति ग्रंथों का की रचना की, जिसमें भक्त शाम सिंधु उज्जवल मणि जिदम माधव ललित माधव
अलंकार कौसुम इत्यादि हंस धूप इत्यादि कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिससे आज भी हम इन चीजों को जान रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का वैशिष्ट अधिक जब कलि रूप शरीर न फरक तम महाप्रेम महाबुद्धि का कौन कपाट उभारत। यदि रूप गोस्वामी नहीं होते तो महाप्रेम निधि की कुठली को कवाट को कौन खोलता, प्रेम को जानता, को जानत वृंदावन मथुरा मथुरा वृंदावन कौन मथुरा और वृंदावन क्या तत्व है कौन जानता। राधा जी की महिमा को कौन जानता, को जानत मथुरा वृंदावन को जानत शेरी की, को जानत राधा माधव को जानत शैफरी की। राधा जी की गोपियों की प्रीति कृष्ण के प्रति जो औपपत्य भाव है, जिसके द्वारा कृष्ण प्रसिद्ध हो सकते हैं, जगत में कौन जानता। यदि रूप गोस्वामी नहीं आते इसलिए रूप गोस्वामी का रूप मंजरी से भी अधिक वैशिष्ट शिखर। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने शिक्षा गुरु को प्रणाम किया। शिक्षा गुरु कौन है, उसने प्रणाम में कहते हैं श्री रूप मंजरी पक्षापुरेश में उनसा परस्य पदने नहीं पश्य सीधी बिंबा भरे खत्म अनागत भक्ति काया जबते बधाए की मुझको सुख पंग। इसका संक्षेप में यही तात्पर्य है, अरे सखी तुम तो व्रज में प्रसिद्ध हो, जे अपने पति को छोड़ कर के दूसरे किसी का मुख तुम दर्शन तक नहीं करते, इस समय तुम्हारा सत्ता पति तो बाहर में है और तुम्हारे होठों पर ये जो प्रलाद राग लग गया उसने काटा, ये बाल होता है कोई पक्षी ने काटा, कितना गंभीर भाव। यहाँ पर देखिए भाव का झंकार ही भाव का है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी वंदना करते हुए कहते हैं तुम्हारे होठों पर ये दाग कहां से आया, इसको पक्षी ने काटा। दाग था किंतु ये दाग कहां से आया, क्योंकि डायरेक्ट रूप में रूप मंजरी इत्यादि मंजरियां कृष्ण से नहीं मिलती, आया कहां से। देखिए राधा जी के साथ में इनकी इतनी तन्मयता है जो ललिता की शाखा को नहीं है, इसलिए
एकांत में भी राधा के सामने जो विलास करते हैं उसका सब चीजों का अनुभव और वो चिन्ह रूप मंदिर में आ जाए। इसलिए कहां पर कृष्ण ने वहां पर कहा राधा जी के होठों पर अधरामृत पान किया और ये दिखाई पड़ा कहा रूप मंजरी। इसलिए मंजरियों का कितना विशिष्ट अद्भुत वर्ष और महाप्रभु जी अपने मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए प्रयाग में रूप गोस्वामी को अपनी शक्ति संचरित और उन्होंने कहा प्रेम रस तो महासमुद्र है, एक बिंदु तुम्हारे चखाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ संक्षेप में बिंदु रूप में तुमको बतला और पुरी धाम में जबकि सब बड़ी सभा बैठी थी महाप्रभु जी ने कहा कि इस पर आप सभी लोग हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद स्वरूप दामोदर आप सभी लोग रूप के ऊपर में कृपा करें जो हमारे मनोभीष्ट को जगत में स्थापित। इसलिए रूप गोस्वामी जी के अंदर से जो कुछ कलम में निकला वो सब कहां से निकला महाप्रभु जी का स्वयं हृदय से निकल करके प्रेरणा के द्वारा ये सब की लिखा कलम रूप में और भाव कहां से इसलिए वो कितना प्रमाणित होगा आप भी लोग विचार कर सकते हैं। एक बात और चैतन्य महाप्रभु जी ने महाप्रभु एक बार आए वृंदा और 10-5 दिन रहे इसके बाद में जल्दी से चले और रूप सनातन को वहां पर भेजा वृंदावन क्यों भेजा कारण क्या था जो अपने नहीं रहता के उनको भेजा इसलिए भेजा कि यदि वो वृंदावन रहेंगे तो गोवर्धन जाएंगे जमुना के किनारे में जाएंगे गोपियों का भावों का स्मरण होगा और ये जो अभी तो सची नंदन का रूप है राधा भाव गुप्त बलि ये समाप्त होकर के कृष्ण का भाव आए इसलिए डर करके नहीं गए राधा कृष्ण की बिहार भूमि वृंदावन में है रूप सनातन को कहा देखो यहाँ तो मैं हूँ किंतु मैं पूर्ण रूप से वहीं पर हूँ जैसे उद्धव को कृष्ण ने कहा
सब मैं पंचपुराण में हूँ पूर्ण रूप से मैं कहा हूँ आज जाओ देखो और उन्होंने उसको तो महाप्रभु जी वहां जाते तो उनका भाव प्रकाश हो जाता वो कृष्ण का स्वरूप जरूर था और जो इस भाव का साधन और राजमार्ग देना ये संभव नहीं है। एक बात तो रूप गोस्वामी ने सबसे पहले ये घोषणा की राधा भाव को सब लेकर कृष्ण स्वरूप ही सचिनंदन अतः सचिनंदन और नहीं कृष्ण ही है जो राधा भाव कांची को लेकर उन्होंने कहा इसके पहले को उन्होंने महाभाव दिखलाया विष्णु को कृष्ण स्वरूप दिखलाया को सर्वज रूप दिखलाया किंतु किसी ने ये नहीं घोषणा की क्योंकि महाप्रभु जी ने रखा था समय होने पर प्रकट होगा। अभी तुम लोग इस विषय की चर्चा से मत करना उन लोगों ने नहीं कहा इन्होंने विदर्भ के मंगलाचरण या नंदी श्लोक में इन्होंने महापुरुष सुना तो वो सुन करके कहते हैं सुनि प्रभु कहे एक अति स्तुति हरि जाओ महाप्रभु जी ने कहा और सब भक्त कहे आप सब भक्तों ने कहा क्या श्लोक सुनिए कृतक करेला समय श्लोक सुनाओ तुमने ये श्लोक सुना करके महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है ये कह करके कृतक हमारा जीवन कृतक हो गया। दूसरी बात ललित माधव के नंदी मुखी में उन्होंने कहा है बीज प्रणयिता सुधाम उदयाम अब्रुवन किरत उवलीकृत बीज कुलात विराज जा हितौस्ति जो इन्होंने बीज कुल में जो पहले कृष्ण थे और वहां पर रास विलास इत्यादि किया वही आज वहां विजयराज के रूप में सचिनंदन गौरवरी के रूप में उस समय महाप्रभु जी क्या कहते हैं कहां तुम्हार कृष्ण रस काव्य सुधा फिर कामारी ये काव्य तुम्हारा जो है और रस
संताप्य सुधारस सिंधु, सुधा माने अमृत की धारा प्रवाह, और तारमत है मिथ्या के रस की चार बिंदु, और इसमें हमारी मिथ्या रूप रूप में रूपी हमारी स्तुति की है। ये कैसा है खार है, जो कि एक उसमें देने से थोड़े से ही नष्ट हो जाता है। राय पर तब राय कहते हैं, राय मैंने राय रमानी राय पढ़े रूपे काव्य अमृतेर पूर धर्म ते दिया से एक बिंदु खर्पूर। अरे तो अमृत का पूर है, खाना अमृत है, रूप का प्राप्त, और उसमें एक बिंदु पर फूट दे करके उसकी और पाठ्य को रस को आस्वादन को हजारों गुण बढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने कहा श्रीमद महाप्रभु के पहले भक्ति पहली भक्ति रामानुजाचार्य मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निपादित्याचार्य सभी लोग वही भक्ति के द्वारा वैकुंठ तक अधिक से अधिक वही भक्ति तक जाया जा सकता है, इसे ऊपर में। किंतु रूप गोस्वामी ने अभी हमारे हरि प्रिय जी ने बतलाया कि स्थाई भाव हो, स्थाई भाव के ऊपर में विभाव अनुभाव सात्विक विषय है, इनका मिलन से रस हो। रूप गोस्वामी इसकी प्रक्रिया परिपूर्ण रूप से बतलाई, प्रक्रिया बतलाई, किंतु कौन कहा कितना मिलना चाहिए ये नहीं बतलाई। ये मिलने से होता है, किंतु से तो काम चलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको विस्तृत रूप से इतना भाग किसका किसका किसको, तो इन्होंने इन सब का विवेचन सिद्ध रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से करके उन्होंने रागानुगा और रूपानुगा स्थापना। कल रूपानुग और रागानुग के संबंध में बहुत कुछ विचार हुआ। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते थे, इसका प्रमाण क्या है। महाप्रभु ने एक श्लोक रथ यात्रा में नृत्य करते हुए लिखा, तो क्या लिखा था, प्रियम स्वयं और रूप गोस्वामी ने पीछे से उसमें लिख करके और रख दिया महाप्रभु की आए, और उन्होंने पढ़ा
प्रियं स्वयं कृष्णा साचरी कुरुक्षेत्र मिलित इत्यादि में मनु में कालिंदी पुलिंग विपिनायस्ती महाप्रभु जी ने उसके पीठ के ऊपर थप थपाया। रूप हमारे मन की बात कैसी है, हम जो चाहते थे वो कैसे जाना, तो वहीं पर स्वरूप दामोदर जी कहते हैं आपकी कृपा है इसलिए आपकी कृपा से ही आपको जान सकता है, इसलिए इसकी मतलब ये है आप इसके ऊपर में प्रथम कृपा। श्री चैतन्य मनोपिंड चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है, इसको उन्होंने पूर्ण किया, इसको समझो गोपियों का पार्थिव भाव अरतो भगवान प्रकेश तनयस्तान वृंदावन रम्या काचित उपासना पशुपत वर्गे जा पशुपतियों का गोपियों का जो पार्थिव भाव था ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, किंतु लिखा होने पर भी रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी बात जितना जितने भी हैं विशेष सबके हरित्र उन लोगों ने लिखा है किंतु वो स्वामी जी जैसा बताया पार्थिव भाव तो सभी लोग इसे घृणा करते थे। आधुनिक समाज गोपियों के पार्थिव भाव को घृणा की दृष्टि से देखते, किंतु रूप गोस्वामी ने हमारे प्रबल शास्त्रीय प्रमाणों और युक्तियों के बल पर स्थापित किया कि नहीं, जहाँ पर साधारण रूप में लोक में अपने पति को छोड़कर के दूसरे पति के साथ में जाता है वो तो स्त्री कुलाकार है और उसको नरक में जाना पड़ेगा, लोग भी उसे घृणा के दृष्टि से देखते, पर तो ठीक है कि जहाँ पर सर्वेश्वर परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान अखिल साप सिंधु कृष्णी नायक है और उनकी गोपियां स्वरूप शक्ति और सब शांति की प्रकाश है अनंत चिन्ह में रस प्रतिभा के एवं निज रूप तया समाधि निज रूप तया समाधि निज रूप राधिका और उनकी अंश उनका वैभव प्रकाश ये सब गोपियां यहाँ पर ये नायिका है वहां पर दोष की संभावना कहाँ है। जैसे भागवत में सुश्रेयंतो पति काश्चित्
बंसी सुनते हैं कोई पति की सेवा कर रही थी छोड़कर के दौड़ चली कृष्ण के यहाँ। पति उनके पतियों ने किसी ने मना किया तो भी चल पड़े, कुछ पतियों ने उनको परों में बंद कर दिया, वो शाम से पहले पहुंचे। और कृष्ण कहते हैं क्या गोपियों आई तुम, हमारा दर्शन हो गया, मन की शोभा देखा, ठीक है ठीक है बहुत अच्छा, अब तुम लोग घर में लग जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, नहीं तो नरकगामी होना पड़ता। पति लंगड़ा बूढ़ा निर्धन जैसा भी हो, किंतु स्त्री यदि छोड़ेगी तो उसको नरक होगा। तो यहाँ पर कहते हैं कृष्ण स्वयं के पति के पास में जाओ, इसलिए यहाँ पे गोपियों का उत्पत्ति था होगा। पति सुतान नायक धात्री बाल भवान पति पीलन ते अंत अच्युत, पति सुतान नायक पति को छोड़ दिया गोपियों। हमारे गोपी की का भ्रमर की का वेणु की का सभी एक एक श्लोक है, सभी पार किया पर विशेष करके उद्धव जी कहते हैं आशा बहु चरण में काम हम चा वृंदा बने जीवक गुल मंडपौ की है जब कृष्ण जन स्वजन आर्य पतन चहिता भेजे मुकुंद पद में दुर्जर गृह श्रृंखला मानेंगे पतियों को छोड़ करके चलेंगे न पारे हम निर्वत्य संजुजा सुसाप उत्यादि साप वह मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला। वहां पर भी गुरु अन्य पति को आदि पथ को सब छोड़ कर इसलिए श्रीमद भागवत इत्यादि में देखा जाता है। युक्ति में भी कृष्ण जब तक वृंदावन में थे तब तक उनका जब जो पैगाम जो कभी नहीं हुआ, हमारे हिंदू शास्त्र उस समय से अधिक सक्रिय थी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का उपनयन होने के बाद भी विवाह होगा, ब्रज में तो उपनयन हुआ नहीं तो सब विवाह कहां से हुआ, विवाह नहीं। इस तरह से प्रबल युक्ति शास्त्र प्रमाणों पर उन्होंने स्थापित किया और विद्वान लोग इसको और मानने के लिए बाध्य हुए यहाँ ये ठीक सही कहीं पर देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये राधिका का या गोपियों का कृष्ण से मान नहीं था, अभिशाप नहीं था। मथुरा का मन नहीं है, केवल नित्य कुंज विहार है। मैं निम्बार संप्रदाय इत्यादि के
छठ हर वर्ष इत्यादि के ऐसा उसके लिए लिखा है हम हो हिकार हिंदो जिस समुद्र में तरंगे नहीं है लहरियां नहीं है उसका कोई वैशिष्ट नहीं अतएव भक्ति शांति सिंधु है तो इसमें तो लहर होगी इसमें तरंगे आएंगी उसमें मान रहेगा अभिशार होगा प्रवास होगा उसमें विप्रलंब होगा उसमें संभोग इत्यादि सभी लीलाएं उससे रहेंगी नहीं तो प्रेम का वैचित्र कहा रहा इसलिए उनके लिए धिक्कार किया है इनको रसशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है इनको धिक्कार है एक बात विशेष करूंगा रूप गोस्वामी ने जिस प्रकार से भक्ति की परिभाषा अन्न विलासिता सुन्न ज्ञान परमात् अनुकूल्य कृष्णा भक्ति हमारे श्रीमद्भागवत में भक्ति का परिभाषा है हमारे पराशर इत्यादि में तो भक्ति की परिभाषा लिखी है इत्यादि लिखी है और सब लोगों ने लिखी है किंतु गोस्वामी ने इसकी जो लिखी है महाप्रभु सुन करके चमत्कृत हो वहां पर सुनने वाले कितने थे सभी की प्रशंसा करने लगे उसी तरह से उन्होंने श्रद्धा से लेकर श्रद्धा निष्ठा अशक्ति भाव महाभाव सबका उन्होंने परिभाषा की जैसे श्रद्धा श्रद्धा को अन्नोपाय वर्जन और बतलाया कृष्ण सेवा की वासना ही श्रद्धा और उसका बाह्य प्रकाश है उन्होंने साधन कहा कि क्या कहते हैं साधन किसे कहते हैं कृति साध्या भवे शांत भाव साधन विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटं जो साधन हम करते हैं इंद्रियों से यदि उसका लक्ष्य भाव भक्ति न हो तो वो साधन नहीं और वो साधन भी क्या नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रापट्टं रीति जो हृदय में है उसको हमें माया के द्वारा आच्छादित है उसको उसी तरह से उन्होंने रति या भाव का दिया शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुजान सुशाम व्यवहार रुचि भी कीर्तन आश्रम अपनी दशा प्रेम का दिया
सम्यक मन शरीतो प्राप्तो सम्यक पश्यन्तो शान्तो ममता विषयान्वितम् भाव स एव संप्रत्मा बुधै प्रेमान्वित। उसके बाद में उन्होंने बतलाया सर्वथा धन सरहित यत् वंश कारणं तत् भावं बंधन दूरो सा प्रेमान्वित अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। भक्ति सूचते विष्णु प्रहलाद भवना इत्यादि शुद्ध सत्व विशेषात्मा माने क्या जीव मिश्र सत्व भी है और शुद्ध जीव किंतु शुद्ध सत्व विशेष वो क्या है विशुद्ध सत्व। कृष्ण का अंग वृंदावन ये सब चीज और विशेष आत्मा उसमें आत्मा राधा जी का भाव इत्यादि या गोपियों का या जो जिस रस का उपासक है उसके लोगों का तो उनके अंगत्व में भजन करने से उनका जो भाव आता है और इसमें प्रदान होता है सारे भाव के साथ में तब उसको शुद्ध सत्व विशेषासन। इस तरह से प्रेम के लिए धन सरकार उपस्थित होने प्रेम और बढ़ता जाता है। विष्णु से ममता हो किंतु प्रेम संगत ममता अनन्य बिना ममता का प्रेम हो नहीं सकता। यशोदा जी की ममता गोपियों की ममता इसलिए प्रेम में ममता भी प्रधान है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी के अनंत महिमा है उनकी वैशिष्ट भी अनंत है। मैंने उसमें समुद्र के किनारे बैठ करके और उसके जो छींटे आ रहे हैं उसका एक छींटे का हमने वर्णन किया है बलदेव प्रभु जी का जन आदि भाव तिथि है। हम लोग सवेरे यहाँ पर बैठेंगे 9 बजे के करीब और उस पर हम लोग विवेचन करेंगे उनके चरित्र का और फिर मैं कल भी 7 बजे करीब में मैं गोवर्धन चला जाऊंगा महिमा कुछ दिन तक और जन्माष्टमी में मथुरा में हम आप लोग सभी लोग
जो यहाँ उपस्थित है, जन्माष्टमी के एक दिन पहले नगर संकीर्तन होगा, बहुत धूमधड़ाके के साथ आप लोग सभी लोग उसमें निमंत्रित हैं, सभी लोग आएंगे। और दूसरे दिन जन्माष्टमी की सबसे तीसरे दिन जन्माष्टमी का हरण करके अब तक फिर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.